ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सबसे पहले सन 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि 18वीं सदी के आखिर में ही हुई। गांव के बिखरे उत्पादन की जगह शहरों में एक छत के नीचे उत्पादन होने लगा। कारखानों में उत्पादन का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन। इसे संभव बनाने के लिए पूंजी, मजदूर और उन चीज़ों की बाजार में मांग जरूरी है। ब्रिटेन में धनी व्यापारी थे जो पूंजी लगा रहे थे। वे अपने माल के लिए बढ़ती मांग को लेकर आश्वस्त थे। काम करने के लिए गांव व शहरों में मजदूर उपलब्ध थे। अब अधिक उत्पादन को कम समय में करने के लिए नई मशीनों का आविष्कार हुआ। आविष्कार और कारखाना। 18वीं शताब्दी में लगभग 26,000 आविष्कारों का पंजीकरण या पेटेंट किया गया, जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से बेहतर माल भी बनने लगा। यह परिवर्तन कपड़ा उद्योग में सबसे तेजी से हुआ। सूत कातने बुनने से लेकर कपड़े को अंतिम रूप देने तक के लिए मशीनें बन गई। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन गांवों में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घरों में करते थे, लेकिन अब कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारी बातें संभव नहीं थी। लोहा इस्पात। मशीनों के व्यापक उपयोग में कई बाधाएं थीं। अगर मशीनों से भारी मात्रा में काम लेना था तो उसके लिए मजबूत लोहे की ज़रूरत थी। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था, क्योंकि वहाँ मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियाँ कोयला और लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थे। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रागा भी खूब मात्रा में मिलते थे। किंतु 18वीं शताब्दी तक वहाँ मशीनों में इस्तेमाल योग्य लोहे का उत्पादन नहीं होता था। लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जाता था, पर इसमें कई समस्याएं थीं, जैसे यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था और यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। ऐसे में इंग्लैंड का एक लोहार परिवार, जिसका नाम अब्राहम डर्बी था, वर्षों के प्रयोग से लोहा गलाने में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल हुआ। उसके आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण था लकड़ी कोयले की जगह पत्थर कोयले का उपयोग, जिसे धमन भट्टी में उपयोग किया गया। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था वह पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया था और उससे लंबी ढलाई की जा सकती थी। इस कारण लोहे से अनेकों अनेक उत्पादन बनाना संभव हो गया। चूँकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीनें, रेल पटरियां और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो कटफट या जल सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। इस तरह औद्योगिक क्रांति, जो कपड़ा उद्योग से शुरू हुई, अब लोहा इस्पात के मशीन निर्माण पर केंद्रित होने लगी। लौह अयस्क और कोयले का उत्खनन तेजी से बढ़ा और इन खानों के पास ही नए कारखाने लगने लगे। लेकिन औद्योगिक क्रांति को स्थिरता प्रदान करने के लिए दो और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत थी।